नेक्स्ट प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, जस्ट 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर लाई अलोंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स दिस एंड दिस। इन दोनों प्लेन्स का जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, उस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के अलोंग कौन सा वेक्टर प्रेजेंट है, ये पूछा गया है। अब आप यहाँ पे नोटिस करो, इसको अगर हम सिंपल ऐसे समझने की कोशिश करें, आप यहाँ पे दो प्लेन ड्रॉ कर लो। ऐसा जरूरी नहीं है क्वेश्चन में जो प्लेन है वही ड्रॉ करना है। अगर आपने दो प्लेन ड्रॉ कर लिया जिसका एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ऑप्शन बी, जस्ट वन मिनट बता रहे, और दूसरा प्लेन ये, तो दो प्लेन ये है, इसका जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है वो ये है जो रेड लाइन आपको दिख रहा है। तो जो भी वेक्टर आपको कैलकुलेट करने को बोला गया है वो इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के अलोंग होगा। दिस इज सपोज प्लेन वन एंड दिस इज प्लेन टू, और जो रेड लाइन है इनका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, और लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के अलोंग वेक्टर कौन सा है पूछा गया है। सपोज आपने इन दो प्लेन्स के ऊपर नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेट किया, नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, n के तो बेसिकली ग्रेड फाई, ग्रेड फाई का डायरेक्शन n कैप होता है। यस सर। तो पहले प्लेन के लिए आपने ग्रेड फाई कैलकुलेट किया, ये होगा नॉर्मल टू द सरफेस, और जो दूसरा प्लेन है उसके लिए भी आपने कैलकुलेशन किया नॉर्मल टू द सर्फेस। तो दोनों प्लेन्स के लिए आपने ग्रेड फाई वन ग्रेड फाई टू कैलकुलेट किया, और आपको जो वेक्टर कैलकुलेट करना है उसको ए बोल देते हैं। कोई बता सकता है ग्रेड फाई वन और ए के बीच में क्या एंगल होगा? 90 डिग्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। तो ग्रेड फाई वन जो नॉर्मल वेक्टर है टू द फर्स्ट सरफेस, और ए वेक्टर विच इज अलोंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ये परपेंडिकुलर, इनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो। सर 90 डिग्री कैसे हुआ? ये जो वेक्टर है ये इस लाइन के अलोंग है, तो ये इसी प्लेन में होगा ना, ये जो वेक्टर है वो तो इसी प्लेन में होगा, और ये ग्रेड फाई इस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है। ओके सर। ओके, तो ए वेक्टर लाइज इन दिस प्लेन एंड ग्रेड फाई वन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इसलिए एंगल 90 डिग्री। सिमिलरली ग्रेड फाई टू और ए वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। सेम रीजन, ये जो ए वेक्टर है वो इस प्लेन के ऊपर होगा, जो ए वेक्टर है वो इसी प्लेन में है ना, और ग्रेड फाई इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो एंगल 90 डिग्री। तो ग्रेड फाई टू और ए वेक्टर इनका डॉट प्रोडक्ट भी क्या होगा? जीरो। इनका डॉट प्रोडक्ट भी जीरो। आपको ये ए वेक्टर कैलकुलेट करना है। अब जस्ट क्या करो, क्वेश्चन में जो दो प्लेन्स गिवन है उनके लिए ग्रेड फाई वन और ग्रेड फाई टू कैलकुलेट कर दो। पहले सरफेस के लिए ग्रेड फाई क्या आएगा?
आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। 2j कैप कहां से आ रहा है? उसके लिए ग्रेडियंट कैलकुलेट करो, 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप प्लस 4k कैप। तो जो भी a वेक्टर होगा उसके साथ इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? जीरो। देखो कौन से ऑप्शन में जीरो बन रहा है, कौन से ऑप्शन में इन दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे तो जीरो आएगा। ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। ऑप्शन बी आ रहा है, ऑप्शन बी, जस्ट वन मिनट, राइट, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में जो वेक्टर गिवन है उन दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो है। तो ग्रेड फाइव वन ग्रेड फाइव टू कैलकुलेट करो और देखो किस ऑप्शन के साथ इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है। डॉट प्रोडक्ट क्यों जीरो होगा? बिकॉज एंगल 90 डिग्री है। तो यहां पर भी हम जो नॉर्मल वेक्टर का कॉन्सेप्ट था, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन, नॉर्मल वेक्टर का कॉन्सेप्ट था, उसी को यूज कर रहे हैं। कोई डाउट है इसमें? एनीवन? नो सर।